हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आदित्य शर्मा और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके मैं फिर से आपके सामने आया हूं। आई होप आप बहुत पसंद करेंगे, बहुत लाइक करेंगे। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरे चैनल का नाम है असिस्टिंग। तो आइए लेसन पे सीखते हैं। देखिए, आज जो मैं आपको लेसन बता रहा हूँ, मस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन, म्यूज़िक के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट लेसन में से एक है। देखिए, बहुत सारे फीमेल्स का और मेल्स के क्वेश्चन थे कमेंट बॉक्स में, जिसमें उन्होंने पूछा था कि सर हमारा स्वर क्या है। स्वर मीन्स नोट, हमारा नोट कहाँ क्या है, कहाँ से गाएं। क्योंकि अधिकतर स्टूडेंट यही गड़बड़ करते हैं जब वो रियलिटी शोज़ में जाते हैं या किसी और अदर प्रोग्राम में जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं या कहीं पार्टिसिपेट करते हैं, तो उन्हें अपना स्केल ही नहीं पता होता है। और अपने स्केल नहीं पता होने के कारण वो गलत स्केल से गाते हैं, तो जैसे ही वो हाई पिच में जाते हैं या लो पिच में आते हैं तो उनकी वहाँ गड़बड़ हो जाती है। तो पिच के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं। तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि हारमोनियम में 3 ऑक्टिव्स होते हैं। आप लिख लीजिए, अगर आपने नोट नहीं किया है तो नोट कर लीजिए। 3 ऑक्टिव होते हैं। पहला ऑक्टिव होता है जिसे बोलते हैं हम लो ऑक्टिव, हिंदी में इसे बोलेंगे मंद्र सप्तक। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, हमारे हारमोनियम में 3 ऑक्टिव होते हैं। वैसे तो 3.5 भी होते हैं, और पियानो के अंदर जाएँ तो आपको 5 और 6 ऑक्टिव भी मिलेंगे। पर यूजली जो काम आते हैं, बेसिकली हमारे गले में भी जो ऑक्टिव होते हैं उसी के बेस्ट पे हारमोनियम पे ऑक्टिव बनाया गया है, कि जिससे हम अपनी स्वर साधना कर सकें, अपने स्वर को पक्का कर सकें। क्योंकि अगर म्यूज़िक में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है तो वो स्वर की प्रैक्टिस है। मतलब आपके पहले स्वर, आपके सारे गमा की प्रैक्टिस सबसे मस्ट है। तो आइए सबसे पहले सीखते हैं कि किस स्वर से आप प्रैक्टिस करें कि आप एक अच्छे सिंगर बन जाएं। तो उसी के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। बेसिकली हारमोनियम में 3 सप्तक होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया। फर्स्ट इज लो ऑक्टिव, मीन्स मंद्र सप्तक। ऑक्टिव को हम सप्तक कहते हैं। सप्तक मीन्स, सप्तक की डेफिनेशन है 7 सुर से जो मिलकर बना होता है। सप्तक के अंदर 7 सुर होते हैं, सारे का मपा धा निसा। अगर आपने नोट नहीं किया तो प्लीज़ इसे नोट कर लीजिए। तो फर्स्ट ऑक्टिव इज लो ऑक्टिव, सेकंड है मिडिल ऑक्टिव जिसे हम बोलते हैं मध्य सप्तक, और तीसरा होता है हाई ऑक्टिव जिसे हम बोलते हैं तार सप्तक। अब सबसे पहले जानते हैं मंद्र सप्तक क्या होता है, सेकंड मध्य सप्तक क्या होता है, और थर्ड तार सप्तक क्या होता है। मींस लो ऑक्टिव, हाई, मिडिल ऑक्टिव एंड हाई ऑक्टिव। देखिए, लो ऑक्टिव जो होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। आप गौर से देखिए इसे, और जूम करके देखिएगा, और मेरे वीडियो को बार बार पोज करके देखिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा। और फिर मैं आपको बताऊँगा फीमेल्स को कहाँ से गाना है और मेल्स को कहाँ से गाना है, कहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है। तो फर्स्ट ऑक्टिव इज लो ऑक्टिव, इसे हम मंद्र सप्तक कहते हैं, और इसको यहाँ से प्ले किया जाता है। ये लो ऑक्टिव है। लो ऑक्टिव की पहचान है कि इसमें स्वर जो होते हैं उनमें बहुत बेस होता है, बहुत भारी स्वर होते हैं। जो स्वर नीचे हों, भारी हों, या जिनमें बेस हो, वो लो ऑक्टिव कहलाता है। इसे हम मंद्र सप्तक कहते हैं। तो देखिए, मैं यहाँ से आपको सारे गामा प्ले करके बताता हूँ। यहाँ से कौन से सिंगर्स गाते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो गाना हो, चाहे क्लासिकल म्यूज़िक हो, चाहे लाइट म्यूज़िक हो, या अदर ठुमरी हो, ठप्पा हो, ध्रुपद हो, धमार हो, या फिर फिल्मी सॉन्ग्स हो, सेमी क्लासिकल हो, वो सब तीनों स्केल से मिलाकर ही गाया जाता है। पर ज़्यादातर जो सिंगिंग होता था पहले के समय में, जैसे ध्रुपद होता था या धमार होता था या और भी सिंगिंग होती थी ठुमरी टाइप की, या फिर गज़ल आपने सुना हो, तो गज़ल को बेसिकली लो ऑक्टिव्स में गाया जाता है। मैं बहुत ज़्यादा लो के लिए नहीं बता रहा हूँ, पर वो लो ऑक्टिव्स में गाया जाता है। तो लो ऑक्टिव मीन्स जिसमें स्वर भारी हों, या जिनके स्वर नीचे हों, नीचे की तरफ हों। तो यहाँ से हम हारमोनियम को स्टार्ट करते हैं। दिस इज फर्स्ट नोट, दिस इज सा, देन रे। आपको फिर ये बटन छोड़ देना है, इसके बगल वाले बटन पे आना है, इसको गा बोलते हैं। देन मा, देन पा, देन धा, उसके बाद नी, एंड लास्ट वन इज सा। तो सा से स्टार्ट हुआ और सा पे एंड हुआ, इसे बोलते हैं हम मंद्र सप्तक। सा से ही स्टार्ट करेंगे और सा पे ही एंड करेंगे। जहाँ आपने सा पे से एंड किया, वहाँ से दूसरा ऑक्टिव शुरू होता है जिसका नाम है मिडिल ऑक्टिव, मतलब मध्य सप्तक। अब इसे भी देखते हैं, सेम प्रोसेस चलेगा, सेम स्वर है, बस फ़र्क है उनके पिच में, उनके नोट में, मतलब उनके साउंड में। जैसे यहाँ मैंने जो सारे गामा बजाया, वही सारे गामा यही है, वही सारे गामा ये है। पर फ़र्क क्या आता है कि इसके जो साउंड है, इसके जो पिच में वो डिफरेंस है। तो वो आप साउंड सुनिए, और तीसरा ऑक्टिव आता है हाई ऑक्टिव,
जिसे यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लास्ट वाला ऑक्टेव नहीं दिख रहा है तो मैं आपको कोशिश करता हूँ दिखाने का। दिस इज हाई ऑक्टेव, ये हाई ऑक्टेव है। बेसिकली अच्छा सिंगर बनने के लिए आपको कम से कम 2 ऑक्टेव में गाना होता है। वैसे तो आपके 3 ऑक्टेव ही अच्छे होने चाहिए, पर बेसिकली कम से कम अच्छा सिंगर बनने के लिए, बॉलीवुड म्यूज़िक गाने के लिए आपके 2 ऑक्टेव अच्छे होने चाहिए। फॉर एग्जांपल कि मैं इसे यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये पहला ऑक्टिव है। अब मुझे नीचे भी पा तक पा की तरफ जाना है, सा नी धा पा, तो ये कितने नोट हो गए, 4। और इसी तरीके से मुझे 4 स्वर और ऊपर जाना है, या पा तक समझ लीजिए लास्ट। तो अच्छा सिंगर बनने के लिए आपको मिडिल ऑक्टिव में, तो सभी गाते हैं, आपको लो ऑक्टिव में भी कम से कम मा तक, ये पा तक या मा तक जाना होता है, और हाई ऑक्टिव में भी आपको मा या पा तक जाना होता है। अगर आप इतना गा पा रहे हैं, इतना कर पा रहे हैं, तो आपको डेफिनेटली आप बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हैं। बस आपको स्वर की प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चन आता है कि फीमेल्स कहाँ से गाएँ और मेल्स कहाँ से गाएँ। दोनों की, जैसा कि आपको पता है, दोनों की आवाज़ में डिफरेंस होता है और दोनों की आवाज़ डिफरेंट होती है, क्योंकि मेल की वॉइस थोड़ी हैवी होती है, थोड़ी भारी होती है, और फीमेल की वॉइस थोड़ी शार्प होती है, इसमें सोल होता है। तो मेल के बारे में सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं। अगर आप मेल सिंगर हैं, आप की एज अगर 18+ है, आप 18 साल से हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, बच्चों की, लेडीज़ की और मेल की, तीनों की आवाज़ में डिफरेंस है। तो सबसे पहले आते हैं मैच्योर की वॉइस में, मेल की वॉइस में। तो मेल की जो वॉइस होती है ज़्यादातर 90% या 80% समझ लीजिए, क्योंकि रेयर होता है कि बाई चांस आपका मतलब पिच वो अलग हो सकता है, पर ज़्यादातर जो होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है, मध्य सप्तक का पहला काला। अब इसे काला क्यों कहा, क्योंकि इस ये काला बटन है, इसे नोट कर लीजिए आप। देखिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, सा रे गा मा पा धा नी सा, ये जो ये वाला सा है, मतलब मध्य सप्तक वाला सा, मीन्स मिडिल ऑक्टिव वाला सा, ये मेल के लिए सबसे परफेक्ट सा माना जाता है। तो जब भी आप हमिंग की, ओम की या सा की प्रैक्टिस करें, या सा रे गा मा का स्टार्टिंग करें, तो आप सी शार्प से ही गाएं। इसे सी शार्प भी कह सकते हैं, या फिर इसे सा भी कह सकते हैं, मध्य सप्तक का, मध्य सप्तक का सा या सी शार्प, ये मेल के लिए परफेक्ट स्केल माना जाता है। तो आप यहीं से प्रैक्टिस करें, आप इसे बाई चांस यहाँ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मतलब एक बटन मैंने पीछे लिया, इसे बोलते हैं सी, इसे भी आप सा की सा ही बोलेंगे, और वैसे देखा जाए तो ये आ जाता है मंद्र सप्तक का नी। फिर से गिन के बताता हूँ, सा रे गा मा पा धा नी, इंग्लिश में इसे बोलेंगे सी, और आप वैसे इसे बोल सकते हैं नी। और अगर आप यहाँ से नहीं करना चाहते तो आप इसे सी शार्प से भी कर सकते हैं। वैसे मैं आपको मेरी जो राय दूंगा वो आपको सी शार्प के लिए ही दूंगा, मतलब मध्य सप्तक का पहला काला। फिर से मैं बता देता हूँ, ये मध्य सप्तक का पहला काला है, आपको रियाज यहाँ से करना है। अब आते हैं फीमेल के स्केल में। फीमेल और बच्चों का स्केल लगभग एक जैसा होता है, बहुत रेयर होता है कि उनके पिच में डिफरेंस हो, बाकी नहीं होता है। तो बच्चे जो हैं, जो 8 साल के, 10 साल के या 12 साल के हों, 13 साल के हों, क्योंकि 13 साल बाद बच्चों की आवाज़ में चेंजेस आने लग जाते हैं, 13-14 साल की आवाज़ में। और फीमेल की वॉइस और बच्चों की जो वॉइस होती है वो लगभग उनका जो स्केल होता है सेम होता है। तो अगर आप फीमेल हैं तो आप गाइए मंद्र सप्तक के 5वें काले से। देखिए मैं आपको गिन के बता देता हूँ, आपको यहाँ से गाना है, इसे बोलते हैं मंद्र सप्तक का 5वां काला, या आप इसे बोलेंगे ए शार्प नोट। फिर से गिन के बताता हूँ, सा रे गा मा पा, अगर आप यहाँ से गिन रहे हैं तो सा रे गा मा पा धा, धा मीन्स ए शार्प, और इसे हम बोलेंगे मंद्र सप्तक का, मीन्स लो ऑक्टिव मंद्र सप्तक का 5वां काला। तो ये फीमेल के लिए परफेक्ट स्केल हो सकता है। कई फीमेल 5.5 से भी गा लेती हैं, लाइक मतलब इसके जो जस्ट नीचे बटन है, जो नीचे की है वाइट वाली, इसे 5.5 कहते हैं। कई लेडीज़
इसे 4.5 से भी गाती हैं। तो 4.5 मीन्स जब हम 5 से हल्का सा एक नोट नीचे आते हैं, आधा नोट नीचे आते हैं, तो इसे 4.5 कहते हैं। कई फीमेल्स इसे 4 से भी गा लेती हैं, तो आप इसे 4 से भी गा सकते हैं। पर मैं मेरी राय दूंगा कि आपको पांचवा स्केल से, या तो आपको पांचवा काले से प्रैक्टिस करना है या 5.5 से, इन दो स्केल से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये परफेक्ट आपके लिए स्केल माना जाएगा। अब उससे पहले मुझे पता है कि आप अगर मेरा वीडियो ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको ये समझ में नहीं आया होगा कि जो बिगनर्स हैं कि काला बटन क्या है या सफ़ेद क्या है, सर किस बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो इसके बारे में बताता हूँ कि देखिए, सारे गामा पा धा नि सा मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। आप मेरी, मैं बिल्कुल धीरे बजा के दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, अब मैं आपको पूरा इसको अच्छे से बताता हूँ। देखिए, ये पहला जो काला बटन है, जस्ट इसके नीचे एक सफ़ेद बटन है, तो इसे बोलते हैं पहला सफ़ेद, मतलब पहला बटन सफ़ेद, पहली की सफ़ेद, तो इसे बोलेंगे पहला सफ़ेद। इसे बोलेंगे पहला काला, फिर आएगा दूसरा सफ़ेद, उसके बाद आएगा दूसरा काला, उसके बाद आएगा तीसरा सफ़ेद। अब तीसरा काला नहीं होता है, आप लिख लीजिए कॉपी में, फिर से मैं इसे रिपीट करता हूँ। पहला सफ़ेद, पहला काला, दूसरा सफ़ेद, दूसरा काला, तीसरा सफ़ेद, तीसरा काला नहीं होता है, उसके बाद डायरेक्ट चौथा आ जाता है, चौथा सफ़ेद, चौथा काला, पांचवा सफ़ेद, पांचवा काला। सॉरी, शायद थोड़ा गड़बड़ हो गया, मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए, पहला काला, ये पहला सफ़ेद, ये दूसरा काला, दूसरा सफ़ेद, और इसे हम बोलेंगे ढाई। सॉरी, गड़बड़ हो गया था अपने से, फिर से पहला काला, पहला सफ़ेद, दूसरा काला, दूसरा सफ़ेद, ढाई। इसके बाद आएंगे तीसरा काला, तीसरा सफ़ेद, चौथा काला, चौथा सफ़ेद, पांचवा काला, पांचवा सफ़ेद, 5.5। इसके बाद नेक्स्ट ऑक्टिव स्टार्ट हो जाता है, मतलब दूसरा सप्तक स्टार्ट हो जाता है। ऑक्टिव को ही हम हिंदी में सप्तक कहते हैं, और सप्तक के लिए मैंने बता दिया था डेफिनेशन, सात सुर से जो मिलके बना होता है उसे सप्तक कहते हैं। तो पहला काला, पहला सफ़ेद, दूसरा काला, दूसरा सफ़ेद, ढाई, तीसरा काला, तीसरा सफ़ेद, चौथा काला, चौथा सफ़ेद, पांचवा काला, पांचवा सफ़ेद, और 5.5। तो मैंने जैसा कि बताया था, लेडीज़ और बच्चों की आवाज़ पांचवा काला है, पांचवे काले से गा सकते हैं या फिर आप 5.5 गा सकते हैं। मंद्र सप्तक का पांचवा काला या 5.5 से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर मैं आपको राय दूंगा फिलहाल आप 5वें काले से प्रैक्टिस करें। आप आ जाते हैं मेल के स्केल में, तो इसे बोलते हैं मध्य सप्तक का पहला काला। कॉन्सेप्ट वही चल रहा है, पहला काला, पहला सफ़ेद, दूसरा काला, दूसरा सफ़ेद, ढाई, तीसरा काला, तीसरा सफ़ेद, चौथा काला, चौथा सफ़ेद, पांचवा काला, पांचवा सफ़ेद, 5.5। और इसके बाद हाई ऑक्टिव स्टार्ट हो जाता है। तो जो जेंट्स को है वो गाना है मध्य सप्तक के, मीन्स मिडिल ऑक्टिव के पहले काले से या पहले सफ़ेद से, पर मैं आपको पर्सनल राय दूंगा पहले काले से गा सकते हैं मध्य सप्तक के। कई सूफी सिंगर्स या कवाली सिंगर्स होते हैं जिनकी रेंज काफ़ी ऊंची होती है, तो कई दूसरे काले से भी गाते हैं और कई ढाई से भी गा लेते हैं या कई तीसरे से भी गा सकते हैं, वो बहुत रेयर होता है। जैसे राहत फ़तेह अली खां साहब हैं, जैसे सुखबिंदर सिंह है, जो जिनकी रेंज बहुत ऊपर है, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खां साहब, इनकी रेंज बहुत ऊपर थी, तो वो उनका पिच अलग था। पर 90% अगर हम देखें तो मेल की जो स्केल होती है और परफेक्ट जो स्केल मानी गई है वो यही मानी गई है, मध्य सप्तक का पहला काला आपको यहाँ से प्रैक्टिस करना है। और फीमेल को मंद्र सप्तक, मीन्स मिडिल लॉक्टिव का पांचवा काला, यहाँ से आपको प्रैक्टिस करना है। आई होप आपको मेरा ये लेसन बहुत पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा यह लेसन पसंद आया तो प्लीज़ इस ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी राय भी दीजिए, कमेंट भी कीजिए कि आपको आने वाला वीडियो किस सब्जेक्ट पे चाहिए, आप क्या क्वेश्चन है आपका, कि आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है स्केल से रिलेटेड या स्वर से रिलेटेड, ताल से रिलेटेड, कोई भी क्वेश्चन आप मुझे अपना कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा आपको अच्छे से उसे बताने का। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।